वो औरत नहीं है, उसके अंदर नागिन की रूह है। वो दबे पांव चलती है जैसे सांप रेंग रहा। मामा आप मुझे मेरे असली बाबा के घर छोड़ दें। वसान? कम से कम वहां मुझे उस्मा फूफू की तरह कोई पराई औलाद होने के ताने तो नहीं देगा ना, या बार बार ये नहीं जताएगा कि मैं किसी और के घर में रह रही हूं। आपकी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा और मेरी भी। वफा मैं तुम्हें उस घर में कैसे छोड़ सकती हूँ जहां तहरीम है। वो उस्मा बाजी से कहीं ज्यादा जहरीली है। वो औरत नहीं है, उसके अंदर नागिन की रूह है। वो दबे पांव चलती है जैसे सांप रेंग रहा, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल तक पहुंचती, अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ लेती और फिर पेशानी पे डसती है सीधा यहां। डसा जाने वाला अव्वल तो मर जाता है, अगर बच जाए तो मेरी तरह हमेशा कलंक का निशान रह जाता है। तो फिर यहां जलील तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उस्मा बाजी की नागवारी बर्दाश्त करनी पड़ती है ना, वहां तो तुम्हें मेरे किए की सजा काटनी पड़ेगी। फिर मैं क्या करूं जब मैं आपके पास हूं ना? हाँ सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी एक अमानत मेरे पास है, बरसों से उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पाल रहा हूं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आपको आपकी अमानत वापस लौटा दूं। उसकी माँ की डेथ हो गई है और हवा के बाद उसका इस घर में रहना बनता नहीं है। बताइए ना भाई, बताए ना, हवा पसंद है ना आपको? ये ना अम्मा, मुझे पता है कि भाई को हवा बहुत पसंद है, जब भी घर आती है इनकी नजर उसी पे टिकी रहती है, बस बोलेंगे नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, हम कल ही जाके रिश्ता ना तय कराएं भाई का। वो मान जाएंगे? देखा अम्मा, क्यों नहीं मानेंगे भला, ये भी कोई बात है भाई? तुम्हारे अब्बा की उसके अब्बा से कितनी पुरानी दोस्ती है, फिर तुम माशाल्लाह से इतने मशहूर वकील हो, अपने पाँव पे खड़े हो, और क्या चाहिए होता है किसी को। मैं तो कहती हूँ अम्मा, कल ही भाई का रिश्ता लेने चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? हाँ हवा इतनी अच्छी लड़की है, अगर हाथ से निकल गई तो। अम्मा तहरीम बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई तो हाथों से निकले जा रहे हैं, मजनू बन गए। दिल नहीं रहंदा वे।